الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على جبيك ديرت الجبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين और क्योंकि आज फिर एक मुनासिबत बीच में आ रही है, लिहाजा मैं उस मुनासिबत को छोड़ते हुए सिर्फ मुसीबत का तज़किरा करूँगा और अपने बयान को जारी रखना चाहता हूँ। एक बार सब मिलकर तिलावत पढ़ें। ऐज़ाने गिरामी, कल बात यहाँ तक पहुँची थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस इस्लाही कारवां को मदीना मुनव्वरा से शुरू किया और इस शान से शुरू किया कि अपने तमाम ख़ानदान के अफराद को अपने हमरा लिया। उसमें बच्चे भी हैं, उसमें बीवियां भी हैं, जवान भी हैं, ज़ईफ़ भी हैं, यानी हर सिनो साल का फ़र्द इस काफ़िले इस्लाह के अंदर मौजूद है, जो पैगाम है अपने चाहने वालों के लिए कि इस्लाह करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आलिम भी हो। खाली जो है वो मौलवी, उसका टाइटल होना चाहिए वही इस्लाह करेगा, वही तबलीग करेगा, नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यूं तो सब उलमा थे, वो सब हाफिज़ाने कुरान थे, सबके सब कारियाने कुरान थे, उनमें कोई ऐसा नहीं था कि जो नाउज़ बिल्लाह हाकम व दहन जाहिल हो, ना बलद हो, तो जो फरमाने। लिहाजा ये इस्लाह का कारवां जो चल रहा था, इसमें हर सिनो साल के फर्द को लेकर के और ख़वातीन को भी उस इस्लाह के कारवां में शामिल करके दुनिया को एक पैगाम दिया कि इस्लाह करने के लिए खाली पेशावर मौलवी का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि हर जवान का फ़र्ज़ है कि वो अपने जवानों की इस्लाह करें, हर बच्चे का फ़र्ज़ है कि बच्चे को बुराई से रोकें, बुज़ुर्ग का फ़र्ज़ है कि बुज़ुर्गों को बुराइयों से रोकें, औरतों का फ़र्ज़ है कि औरतों को बुराइयों से रोकें। यानी हर एक की ज़िम्मेदारी है, जो फरमाएं हर एक की जिम्मेदारी है, खाली ये किसी एक सिंफ या एक गिरोह की जिम्मेदारी नहीं है कि बस इनके ऊपर ये काम डाल दिया जाए, अब जहां भी कोई खराबी नजर आए कौम के अंदर मौलवी को मोरिद इल्जाम ठहरा दिया जाए। जो फरमाएं कि जी आपने क्या किया इतने जमाने से, आप क्या कर रहे हैं, सही है, हम तो वो मौलवी करे क्या, मिंबर से बयान कर रहा है, वो हो रहा है, सब कर रहे हैं, मेहराब में नमाज अदा कराता है, वहां मसले मसाइल बता देता है, अब घरों पे जाकर के तो लोगों को हाथ पकड़ के कहेगा नहीं कि आप आइए, मस्जिद क्यों नहीं आते, रमजान में रोजा क्यों नहीं रखते, तो जो फरमाने तो उसकी बस की ये काम तो है नहीं। जितना उसके ऊपर हत्ता के कुरान मजीद ने अपने, यानी खुदा बंदे आलम ने कुरान मजीद के अंदर अपने रसूल के लिए फरमाया, ए मेरे हबीब तुम क्यों परेशान हो, अगर ये कुफार ईमान नहीं लाते, अगर ये तुम्हारी बातों को तस्लीम नहीं करते, तुम्हारी कही हुई बातों पे अमल नहीं करते, तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें गम उठाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो है वो हुस्न व मलाल की हालत में रहने की ज़रूरत नहीं है, वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारा काम सिवाय इसके कुछ नहीं कि हम पहुँचा दें, पैगाम को पहुंचा दे, इसके अलावा हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इज़ाने गिरामी, अगर नबी अकरम की जिम्मेदारी खुदा ने यह करार दी है, अंबिया की जिम्मेदारियां, अंबिया के फराइज ये रखे हैं कि वो सिर्फ पहुंचाने के जिम्मेदार हैं, खुदा की तरफ से पैगाम आया है, उसे नबी ने हादी ने पहुंचा दिया, अब अगर कोई अमल करता है तो वो अपने नफ्स के फायदे के लिए करता है, और अगर कोई अमल नहीं करता तो अपने नुकसान में जा रहा, अपने नुकसान के लिए उसे छोड़ रहा है। लिहाजा ये कहना कि ये सारी जिम्मेदारी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने इस काफिले के जरिए बताना चाहते हैं कि हर इंसान इस दुनिया के अंदर, हर मुसलमान अल्लाह की नजर में मसूल है, उससे सवाल किया जाएगा कि तुमने ये बुरा काम होते हुए देखा तो इस काम से उसे रोका क्यों नहीं, फरमाए तुमने अच्छाई का हुक्म क्यों नहीं दिया। इसलिए हर सिनो साल के फर्द को इस काफिले इस्लाह के अंदर इमाम हुसैन ने शामिल करके और फिर इस्लाह उम्मत का सिलसिला जारी और सारी करके बता दिया कि अब जहां जहां जो मेरा चाहने वाला होगा, मेरी सीरत को अपनाएगा, मुझे जो है सलाम करता हुआ नजर आएगा, तो उसकी पहली जिम्मेदारी ये होगी कि जब वो किसी बुराई को होते हुए देखे तो बुराई से लोगों को रोके, इस्लाह की कोशिश करें, लोगों को गुमराह करने की कोशिश न करें। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान-ए-गिरामी, कल की बहस
ये थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर हुकूमत के लिए भी निकलते तो कोई परेशानी की बात नहीं थी। तो फरमाएं क्योंकि इस्लाह के दो ही रास्ते हैं, एक रास्ता ये कि ताकत मिल जाए, कुव्वत मिल जाए, जिस ताकत और कुव्वत की वजह से अहकाम इस्लामी का निफाज सोसाइटी और माशरे के अंदर हो सके। इसीलिए खुदावंद आलम ने जब अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा मदीने की जिंदगी में जहां से हुदूद कायम की गई और जहां से गुनाहों की सजाएं दी जाने लगी, तो जो फरमाए वहां मुकम्मल तरीके से वो कुव्वत अता की कि मेरे हबीब अब जिसे तुम सिना की सजा देना चाहते हो आराम से दो, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। देखिए मक्के से ये सिलसिला हुदूद के कायम करने का शुरू नहीं हुआ। कहां से शुरू हुआ कि जब नबी अकरम को कुव्वत मिल गई और वो पूरा इलाका जो है वो मुसलमान हो गया और सब नबी की बात को तस्लीम करने लगे, तो अब इस्लामी सजाओं का निफाज भी होने लगा, इस्लामी सजाएं भी जारी होने लगी, चोर की उंगलियां भी काटे जाने लगी, तो जो फरमाए शराबी को कोड़े भी लगाए जाने लगे कि शराब क्यों पी रहा है, जिना को जो जानी को संसार भी किया जाने लगा, हर तरह की सजाएं जारी कर दी गई। तो ये सजाएं क्यों जारी की गई, अगर नबी के पास ताकत ना होती, कुव्वत ना होती, एक हुकूमत ना होती तो नबी अकरम कभी भी इस्लाम के दिफाज का, इस्लाम के कवानीन को नाफिज नहीं कर सकते थे, उनके ऊपर अमल नहीं किया जा सकता था। बस अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुकूमत चाहते थे तो इसीलिए चाहते थे ताकि ये हुकूमत किसी जात की ना हो, क्योंकि जात जो है जितनी भी मखलूक है वो जो फरमाइएगा जितनी भी मखलूक है वो हाकिम होने के लायक नहीं है, वो हाकिम होने के लायक नहीं है, उसका इस्तेहकाक नहीं है कि वो हुकूमत करे, बल्कि असल में हुकूमत अल्लाह की है, असल में हुकूमत अल्लाह के कानून की है, असल में हुकूमत कुरान की है, असल में हुकूमत अहकाम खुदावंदी की है। ये तो एक इंसान है जो जरिया बनता है उन अहकाम को दुनिया में नाफिज करने का, तो जो फरमाए ये जरिया बनता है, हाकिम ये नहीं है, ये जरिया है, इसलिए हम इसे हाकिम कहते हैं। हुकूमत तो कुरान और खुदा की है, लिहाजा जहां जहां कुरान के खिलाफ, सुन्नत नबी के खिलाफ कोई अमल करते हुए नजर आए और कोई दूसरा उसे रोके या उसे जो है उस पर सजा दे, तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान हाकिम नहीं है, बल्कि ये जरिया बन रहा है उस हुकूमत और कवानीन को जारी करने का। किसी गरीब पे जुल्म होते हुए जब जालिम को जुल्म
हम मारने हुए का हाथ पकड़ लेते, हम कमजोर का साथ देते, जालिम के खिलाफ उठ खड़े होते, तो यकीन जानिए कि अगर ये ताकत भी आलिम के पास हो और अगर ताकत मिल जाए तो फिर वो आलिम मुआशरे में ऐसा कोई काम ना होने दे। ऐसा कोई काम ना होने दे। लेकिन करे क्या मजबूरी है भाई, इसीलिए अहले बैत के चाहने वालों ने दुनिया को समझाने के लिए, क्योंकि हम एक जमाने से हुकूमत से वजन नजर आ रहे थे और हुकूमत के खिलाफ ये लफ्ज हुकूमत जो है क्योंकि बुरा हो चुका था, लिहाजा मैं दो चार जुमले ये वापस पलटा रहा हूँ अपनी कल की तकरीर के, कि ये जो है वो बुरा और बदनाम हो चुका था, लफ्ज सियासत बदनाम हो चुका था, इसलिए जो है हम इससे बदनाम होते चले गए, हम हुकूमत से दूर हटते चले गए, मनसबों से दूर हटते चले गए, हमने गोशा नशीनी की जिंदगी गुजारना शुरू कर दी और जो हम में से हुकूमत के लिए आगे बढ़ा हम उसे जो है वो जरा गिरी हुई नजर से देखने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि हम सब ही सब के सब इस कुव्वत को खो गए थे और हम एक अपाहिज की शक्ल में जिंदगी गुजारने लगे, एक अपाहिज की शक्ल में जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम के वो चाहने वाले कि जिनकी नजर थी कि हुकूमत ना होने से क्या परेशानियां होती हैं और हुकूमत होने का फायदा क्या होता है, उन्होंने अहले बैत की सीरत पे चलते हुए इस्लामी हुकूमत का कायम करके दुनिया को बताया कि सारी दुनिया में फितना और फसाद हो तो हो, लेकिन जहां इस्लामी कवानीन का रिफाज होगा वहां ना कोई फितना होगा ना फसाद होगा ना गुनाह होगा। चाहते थे कि जो इस्लामी कवानीन के तहत हो, जो कुरान के अहकाम को नाफिज करने के लिए हो, जो अल्लाह के अहकाम को नाफिज करने के लिए हो, जो हुकूमत मौलाए कायनात ने की, जो हुकूमत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उस हुकूमत में किसी को कोई इश्काल नहीं है, कोई एतराज की बात नहीं, और हमें भी घबराने और डरने की जरूरत। जब ये सवाल किया जाए और ये कहा जाए कि इमाम हुसैन हुकूमत के लिए निकले थे, हमें कहना चाहिए हाँ निकले थे, परेशानी की बात क्या है। लेकिन उस हुकूमत के लिए निकले थे जो इस्लामी हुकूमत है, उस हुकूमत के लिए नहीं निकले थे, उस तर्ज हुकूमत को कायम करने के लिए नहीं निकले थे कि जो बनू मैया का तर्ज हुकूमत था या बनू अब्बास का या तुर्कों का या उर्दू का जो फरमाए या मुगलों का, इन तर्ज हुकूमत को कायम करने के लिए इमाम अगर इनके लिए निकलते तो फिर यजीद कौन सा बुरा था जिसके खिलाफ उठ रहे थे। तो फरमाए भाई वो हुकूमत तो चल ही रही थी, लिहाजा यजीद में क्या बुराई थी अगर वही तरीका इस्तेमाल किया जाता और उसी तरीके में इमाम हुकूमत करते है या नहीं। तो इज़ाने गिरामी हुकूमत से डरने की इस बात से, इस नारे से डरने की जरूरत नहीं। हम खुल के कहें कि हम चाहते थे और ये हक था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, और हक का मुतालबा कोई जुर्म नहीं है, कोई खता नहीं है, कोई ऐब की बात नहीं है, बल्कि हक का मुतालबा न करना और ज़ईफ होकर के घर में बैठ जाना ये जो है शराफत इंसानी के खिलाफ है। फरमाए अपने हक का मुतालबा न करना और बुज़दिल होकर के घर में बैठ जाना ये शराफत इंसानी के खिलाफ है। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंसानियत के मेयार पे अपने हक का मुतालबा कर रहे थे और उस हुकूमत के जरिए चाहते थे कि मैं मुआशरे की इस्लाह करूं और इस्लाम का लिफाज करूं। फरमाए तो एक तो तरीका ये, अब सवाल ये पैदा होता कि अगर हुकूमत मिलती तो किस तरह की होती, कितने दायरे में हुकूमत करते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो जो फरमाए भाई कितनी बड़ी हुकूमत कायम कर सकते थे, लिहाजा तारीखी असबाब के एतबार से और तारीखी पसमंजर के एतबार से अगर आप गौर करें तो शायद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अगर हुकूमत मिल भी जाती तो सिर्फ और सिर्फ एक शहर की हुकूमत मिलती जिसका नाम कूफा है, सिर्फ एक शहर की हुकूमत। इस एक शहर की हुकूमत के जरिए पूरे आलम इस्लाम की इस्लाह नहीं हो सकती थी तो की। लेकिन हाँ इसका इतना फायदा जरूर होता कि कम से कम अहले कूफा की इस्लाह तो की जा सकती थी, उनको गुमराही से निकाल के सही रास्ते पे लाया जा सकता था और वो लोग के जो जहन्नम की तरफ अपने पैरों से चल के जा रहे थे कम से कम
काम है, क्योंकि किसी एक इंसान की जिंदगी को कि जो जहन्नम की तरफ वो जिंदगी अपनी खींच करके ले जा रहा हो, अगर उसे जहन्नम के रास्ते से बचा करके मैं जन्नत के रास्ते में लगा दूं तो ये कोई छोटी मोटी कामयाबी नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि मैंने एक इंसान को जो है वो अजाबे अबदी से बचा लिया। है कामयाबी या नहीं? भाई यही सोच के अपने माशरे में जिंदगी गुजारिए कि हमारा कोई भी चाहने वाला, हमसे कोई भी प्यार करने वाला, हमसे कोई भी जो है दोस्ती रखने वाला और हमसे कोई भी ताल्लुकात रखने वाला वो जहन्नम की तरफ न जाने पाए। तो जो फरमा रहे अगर कभी ऐसा नजर आए कि ये इंसान गलत काम कर रहा है, इस्लाम के खिलाफ कर रहा, तो उसे रोकिए। और ये रोकना हकीकत ये है कि जो रोक रहा है और जिसको रोक रहा है, रोकने वाले को जिसको रोका जा रहा उसे रोकने वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए। उसे शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपने हमारे कदम को रोक करके हमें जहन्नम में गिरने से बचा लिया। उसे शुक्रगुजार होना चाहिए या नहीं? लेकिन हमारे माशरे में उल्टा है कि अगर कोई बुराई से रोकता है तो शुक्रिया अदा करने के बजाय जो है उसी के खिलाफ इंसान हो जाता है, उसी के खिलाफ हो जाता है। अब आपका क्या ताल्लुक है? बहस ये नहीं कि मेरा क्या ताल्लुक है और आपका क्या ताल्लुक है, बहस ये है कि आप माशरे को खराब क्यों कर रहे हैं, आप मुश्तमा को बिगाड़ना क्यों चाहते हैं, आप ये बुराइयां जो है लोगों में क्यों पैदा कर रहे हैं। क्योंकि आज आपके घर में है, कल यहां से निकलेगी, मेरे घर में बुराई दाखिल हो जाएगी। तो फरमाए भाई मेरे बच्चे घर में तो नहीं पलते, खाली घर में तो नहीं रहते, ये भी बाहर निकलते हैं, पड़ोसी के बच्चों से मिलते हैं और इन्हें मिलना भी चाहिए। तो अगर इस तरह से किसी घर से बुराई पैदा होगी और जहां पैदा हुई है वहीं न रोकी गई तो ला मुहाला ये बुराई आगे बढ़ती चली जाएगी। अभी पड़ोसी के बच्चों में थी, कल को मेरे बच्चों में आ जाएगी, परसों को दूसरे के बच्चों में आएगी, पूरा माशरा तमाम बर्बाद होता चला जाएगा। लिहाजा उसका एक ही तरीका है कि जहां से बुराई जन्म ले वहीं उसको मौत की आगोश में पहुंचा दो, वहीं उसे वहीं रोक दो, वो वहां से आगे न बढ़ नहीं पाए। तो आप मुआशरती एतबार से अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। एक बार सलाह पढ़ लें मोहम्मद वाले, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुकूमत चाहते तो कितनी बड़ी हुकूमत मिलती, तो कूफे की हुकूमत या फर्ज कीजिए कोई एक आज शहर और इमाम के साथ आ जाता। सही भाई अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर सही अपनी जिंदगी को बचा सकते थे, अपने खानदान की जिंदगी को बचा सकते थे, इन कुर्बानियों से, इन मुसीबतों से महफूज रह सकते थे और दसियों साल यजीद के खिलाफ लड़ भी सकते थे। तो देखो हमारे भाई अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर जिसकी माशरे में कोई खास वैल्यू नहीं थी, कोई खास जो है वो उसका मर्तबा नहीं था मुसलमानों के दरमियान, वो 10 साल तक तकरीबन 73 में कत्ल किया गया अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर 73 हिजरी में, और निकला कब था? इमाम हुसैन के साथ मदीना छोड़ा था उसने 2 दिन पहले या 3 दिन पहले। तो जो फरमाए तो अगर अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर जिसकी मुसलमानों में कोई हैसियत नहीं थी वो 10 साल बनू मैया से लड़ सकता है, बनू मैया के साथ जंग कर सकता है, तो क्या अगर हुसैन इब्ने अली चाहते? तो जो फरमाए अगर इमाम हुसैन चाहते मदीने वालों को उकसाते, तुम्हें मैं हुकूमत दूंगा, तुम्हें माल गनीमत मिलेगा, फला शहर की हुकूमत दी जाएगी, ये होगा लालच देते जैसे एक सियासी लीडर करता है। सही, तो अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर जो खुद इमाम के दर्स में बैठता हो, जब वो 10 साल लड़ सकता है, तो अगर उस्ताद चाहता तो उस जंग को कितना दूध दे सकता था बनू मैया के खिलाफ? फरमाए कितना दूध दे सकते थे आप, लेकिन क्यों तूल नहीं दिया, क्यों ये सब कुछ इमाम ने नहीं किया कि अगर ये हुकूमत मिल जाती है तो क्या इससे पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी हजरत अली अलैहिस्सलाम ने हुकूमत नहीं की? और मौलाए कायनात के दौर हुकूमत में 3 जंगें भी हुई, और फरमाए 3 जंगें भी हुई, लेकिन मुझे इंसाफ से बताइए। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि जंगे सिफीन से कोई फायदा नहीं हुआ, और जो कीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि जंगे जमल से कोई फायदा नहीं हुआ या जंगे नहरवान से कोई फायदा नहीं हुआ, नहीं मैं अभी इस वक्त फायदे की बात नहीं कर रहा, अगर हुआ तो बहुत, यानी उस मंजिल पे नहीं हुआ जिस मंजिल पे होना चाहिए, तो फरमाए उस मंजिल पे फायदा नतीजे की शक्ल में नहीं आया जिस मंजिल पे आना चाहिए। क्यों भाई? इधर मौलाए कायनात पूरे आलम इस्लाम के हाकिम है सिवाय शाम, और शाम के बाद दूसरा जो मुल्क आता है मिस्र, तिबला मौजूद है, तारीख बताती कि मिस्र और शाम में हुकूमत थी, अमीर शाम की, उसके अलावा तो कहीं नहीं थी। लेकिन इतनी बड़ी हुकूमत के होते हुए और इतने अफराद के होते हुए जिन पे हुकूमत कर रहे थे, मौलाए कायनात जिन उसूलों के तहत हुकूमत चला रहे थे,
वो उसूल लोगों के मफाद से टकरा रहे थे, जाती मफाद से टकरा रहे थे। और ये मफाद से टकराना खुद लोगों को इसलिए जो है वो अमीर शाम की तरफ धकेल रहा था, और बहुत से लोग मदीने से निकल के अमीर शाम के साथ चले गए। सबसे पहले बैत करने वाला इंसान है जिसने ये कह के बैत की थी, ए अली मैं सुन्नत सुन्नत रसूल और किताब खुदा के मुताबिक आपकी बैत कर रहा हूँ और हमेशा आपका साथ दूंगा। और कहां बैत की थी? मिंबर रसूल पे, मस्जिद नबवी में। वही इंसान जो है वो जरा से वफात के सिलसिले में आकर के इमाम के खिलाफ आ गया, फरमाई इमाम के खिलाफ हो गया तलहा है। दोनों इमाम के खिलाफ आ गए। सबसे पहली जंग का सबब जो लोग बने वो यही तो थे। सवाल ये है कि क्या मौलाए कायनात की हुकूमत में कोई नक्स था, या वो जो है कुरान के मुताबिक नहीं थी, सुन्नत रसूल के मुताबिक नहीं थी, या किसी पे मौलाए कायनात जुल्म कर रहे थे, कोई ऐसी बात थी नहीं? तो जब ऐसी बात नहीं थी तो ये सबसे पहले बयान करने वाले अली के खिलाफ खड़े क्यों हो गए? क्योंकि मेरा फायदा, और फरमाए ये जो फायदे की और मफादात की बहस है ना, ये इस्लाम को बहुत पीछे छोड़ सी जा रही है। तो फरमाए कि फायदे की बहस, मेरा फायदा, मेरा क्या फायदा कि मुझे पहली हुकूमतों में अच्छा खासा माल मिला करता था, अब ये तो दो ही दिरहम देते, जैसे एक नौकर को मिलते हैं, खादिम को मिलते हैं, वैसे आका को मिलते हैं, और वही इनको मिलता है। तो फरमाए तो लामहाला जो फायदे थे वो बंद हो गए हैं। तो अजदाने गिरामी ये लोग मुखालिफ हो गए। तो देखा आपने कि मौलाए कायनात इतनी बड़ी हुकूमत पे फाइट होते हुए और इतने बड़े एरिया पे हुकूमत करते हुए, इतने ज्यादा मुसलमानों पे हुकूमत करते हुए, जंगे सिफीन में आते हैं, जंगे सिफीन जो है एक साल तक होती रहती है, तो जो कीजिए जंगे सिफीन एक साल तक होती रही और तकरीबन 70,000 से लेकर के 110,000 अफराद जो है नकल हुए, ये रिवायात है। 70 से लेकर के 110,000 तक की रिवायात है तारीख के अंदर, सही है। इतने लोग कत्ल हुए मुसलमानों में, एक साल जंग चलती रही। मुझे इंसाफ से बताइए कि जंग का एक फायदा तो बहुत बड़ा हुआ, वो ये कि तारीख अगर मौलाए कायनात जंग न करते तो लोग ये समझते कि अमीरे शाम भी हक पे था, वरना अली को जो है वो जंग करना चाहिए थी। तो फरमाए लिहाजा जंग करके अली ने दुनिया को ये तो बता दिया कि देखो अमीरे शाम हक पे नहीं है, अमीरे शाम बातिल पे है, अगर वो हक पे होता तो अली मुकाबले में क्यों आते? तो फरमाए तो एक बात तो वादे हो गई तारीखी एतबार से, लेकिन मुझे बताइए जो नतीजा एक साल की जंग का मिलना चाहिए था, क्या वो मिला? क्या वो नतीजा मिला है? नहीं मिला। मुसलमान की बेवकूफी की वजह से और जाती मफादात की वजह से वो नतीजा मैसर नहीं हो सका। जंगे सिफीन में कुरान नौके नेता पे बंद कर दिए गए, खुद मौलाए कायनात के लश्कर में दो हिस्से हो गए। इसीलिए कहते हैं कि कौम कम से कम अपने फाइद की बात पे रजामंद तो हो। फरमाए यानी जब अली के चाहने वाले अली की बात पे अली के चाहने वाले कहना गलत होगा, अली के साथ जंग करने वाले, अली की कयादत में जंग करने वाले हैं, मौलाए कायनात के हुक्म पे राजी न हो सके और उनमें इंतशार पैदा हो गया, तो उसका नतीजा ये सामने आया कि जंगे सिफीन जो जीत चुके थे मौलाए कायनात, उस जंग को जो है उस मरहले में रोक ना पा, तो फरमाए उस मरहले में उस जंग को रोकना पड़ा। और जब वो जंग रुकी तो उसके नुकसान बहुत ज्यादा हुए। अगर माविया कत्ल कर दिया जाता, मेरे शाम कत्ल कर दिया जाता तो सारा फितना फसाद खत्म हो जाता है या नहीं? तो अगर मौलाए कायनात की जिंदगी में कौम मुंतशिर हो सकती है और इंतशार के बावजूद मासूम भी उन्हें उस इंतशार के नुकसान से नहीं बचा सकता, तो हर कौम को समझना चाहिए कि जब जब कौम के दरमियान आपस में इख्तलाफ होगा, उस इख्तलाफ के नुकसान से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। परेशान है, एक दूसरे के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, तो लामहाला उसके हमले सख्त होते चले।
उस दुश्मन को अपनी कमजोरियों का इल्म न दो, उसे मुत्तला ना होने दो कि कमजोरी है कहां। कमजोरी है तो उसे बंद कमरे में बैठ करके उस कमजोरी को कुव्वत से तब्दील कर सको, राय और मशवरे से उसे हल करो उस मुश्किल को। सही मशवरा क्यों है, इसीलिए तो रखा गया कि एक अक्ल जो काम न कर सके, दस अक्ले मिलकर के जो है उस काम की इफादियत तक पहुंच सके, उसके फायदे तक जो है वो कौम पहुंच जाए। तो ऐज़ाने गिरामी ये सिलसिला जरूरी है। तो मौलाए कायनात के दौरे हुकूमत में जंगे सिफीन का कोई खास नतीजा नहीं आया। जंगे सिफीन एक साल के बाद खत्म हो गई। लेकिन मुझे बताइए कि अमीर शाम के चाहने वालों में कोई इंकलाब आ गया, कोई इंकलाब आ गया क्या? अमीर शाम को लोगों ने छोड़ दिया क्या? उसकी मोहब्बत से दस्तबरदार हो गए क्या? उसको बुरा कहने लगे? नहीं, सारे अहले शाम जो है उसके बावजूद भी अमीर शाम के साथ रहे। जंगे सिफीन में भी यही हुआ, जंगे जबल में भी यही हुआ कि क्या वो लोग जो ऊंट के गिर्द घूम करके ऊंट का तलाश करके ये नारे लगा रहे थे कि हम नबी की सौजा का एहतराम करेंगे, उनकी हिफाजत करेंगे और उनके जो है उनकी कोई तौहीन न होने देंगे, हैं क्या उनकी मोहब्बतों में जंगे जबल के बाद कोई कमी आ गई? वो फिर भी वैसे ही उसको चाहते रहे, वैसे ही चाहते रहे या नहीं? जंगे जबल के बाद वो लोग अली वाले नहीं हो गए, जिसके साथ थे उन्हीं के साथ रहे। और जो फरमाए जंगे नहरवान में खारजी कत्ल कर दिए गए, खवारिज कत्ल कर दिए गए, लेकिन खवारिज का मजहब कत्ल नहीं हुआ, आज भी बाकी है। और जो फरमाए खवारिज का मजहब आज भी बाकी है, कत्ल नहीं हुआ मजहब, वो नजरिया नहीं मिटा दुनिया से कि जो वजूद में आ चुका था, वो फिक्र खत्म नहीं हुई जो वजूद में आ चुकी थी। इसका मतलब यह है कि जब जब मादी जंग लड़ी जाएगी तो उस जंग के जरिए से जिस्मों में टुकड़े, जिस्मों के टुकड़े तो हो सकते हैं, सरो जिस्म में जुदाई तो हो सकती है, खून तो बहेगा। तो जो फरमाए इंसान तो कत्ल किए जाएंगे, लेकिन ज़हनियत में कोई चेंजिंग और कोई तब्दीली नहीं आएगी। इस ज़हनियत को बदलने के लिए मादी जंग काफी नहीं है, बल्कि कोई रूहानी जंग लड़नी पड़ेगी। चाहिए होता है जो जहन को बदले, फिक्र को बदले, अकीदे को बदले, सोच को बदले इंसान की, उसके लिए रूहानी मार्का चाहिए। मादी जंगों के नतीजे जहनियत की तब्दीली नहीं करते, हमेशा वो जंगें के जो रूहानी तौर पर लड़ी जाती हैं वो जहनों को बदलती हैं। या यूं कहिए कि जब लड़ने वाला अपनी पूरी मजलूमियत के कमाल पर पहुंच जाता है तो फिर लोगों के नजरिए बदलने लगते, लोगों की फिक्रें बदलने लगती हैं। तो जो फरमाए करबला से कुछ हासिल करके इसी हिंदुस्तान में गांधी जी ने जो है वो एक मामूली से जो है मजलूमियत को कबूल करके, करबला के मुकाबले में तो कोई खास मजलूमियत नहीं है। तो जो फरमाए एक मामूली सी मजलूमियत को कबूल करके और दुनिया के सामने अपनी मजलूमियत और सब्र को पेश करके और अपने किरदार को पेश करके पूरी दुनिया को हिला दिया कि देखो जहनियत बदली जाएगी तो हमेशा किरदार के जरिए बदली जाएगी, तलवार के जरिए नहीं। मूसा कर तो बहुत कुछ सकते हैं, तवज्जो कीजिएगा, मूसा कर तो बहुत कुछ सकते हैं, इशारा करे जो असे वो छोड़ दे अजदहा बन जाए, इशारा करे तो सरोतन में जुदाई नहीं हो सकती, हो सकती थी ना है? सवाल ये कि मूसा आप ये इशारा करते क्यों नहीं, ये रोज रोज की परेशानी का सबब क्या है? फिरौन को कत्ल कर दो बात खत्म हो गई, भाई फिरौन को कत्ल कर दो बात खत्म हो गई, खुदा ने आपको ताकत अता की है, विलायत तकवीनी आपको हासिल है, लिहाजा जो है इसे फिरौन को कत्ल करो, मसला खत्म हो गया, आपके कौम को कोई परेशानी नहीं, आपको कोई परेशानी, इस्लाम को फैलने में कोई परेशानी। इब्राहिम आप जो परेशान है नमरूद से, ये रोज रोज की जो है वो मुबाहसे, रोज रोज की बहस, रोज रोज का जो है खुदा के सिलसिले में सवाल और जवाब, ये क्यों कर रहे हैं आप? इशारा कीजिए,
नमरूद खत्म हो जाए, नमरूद चला गया, बात खत्म हो गई, अब आप जो है इस्लाम को फैलाइए आराम से। हो सकता है, ये हो सकता था है? तो हो सकता था, लेकिन सवाल ये कि शायद नहीं इब्राहिम कहे नादान एक नमरूद को कत्ल कर दूंगा दूसरा आ जाएगा, दूसरे को कत्ल कर दूंगा तीसरा उसकी जगह आ जाएगा, तीसरे को कत्ल कर दूंगा चौथा आ जाएगा। तो मेरा मकसद है जिंदगी नमरूद को मारना नहीं है, नमरूदियत को मारना है। ये मूसा यही कहेंगे कि फिरौन को कत्ल करना मेरा मकसद है जिंदगी नहीं है, फिरौनियत को कत्ल करना है। हैं? और वो कत्ल नहीं होगी जब तक उनके सामने कोई आइडियल नहीं होगा। हैं? ये सारी कौम गुलाम बन गई फिरौन की, ये सारी कौम फिरौन को खुदा मान रही है। अब इनके सामने कोई नमूना अमल चाहिए जो ये बताए कि देखो तुम इतने ताकतवर होते हुए, इतने ज्यादा तादाद में होते हुए फिरौन की खुदाई को तस्लीम कर रहे हो, मुझे देखो एक नहीं सा इंसान हूं लेकिन मैं फिरौन को खुदा नहीं मानता, इसकी खुदाई का इनकार कर रहा हूं। अब जब इसे कौम देखेगी, अब हमारे दरमियान भी कोई ऐसा है जो जाली को चाले की आंखों में आगे डाल के गुफ्तगू कर सकता है, उसकी खुदाई से इनकार कर सकता है, तो हर दिल में जो जज्बे छुपे हुए हैं वो उभर के सामने आने लगेंगे। फिर कोई फिरौन फिरौन नहीं रह पाएगा, कोई नमरूद नमरूद नहीं रह पाएगा। नमरूद नहीं रहेगा, ज़हनियत तब्दील करना चाहिए। सरों के काटने से कुछ नहीं होगा, खून बहाने से कुछ नहीं होगा। भाई इमाम ने देखा हुकूमत नहीं मिलती, तो अब दूसरा रास्ता यह है कि मैं इतना बड़ा इंकलाब पैदा करूं कि हर बुज़दिल के लिए नमूना बन जाए मेरी शुजात। हर डरे हुए को यह एहसास हो जाए कि जब इनके बच्चे नहीं डरते तो मैं क्यों डर रहा। हर इंसान को फितरतन जो है इस बात की शिद्दत से इस बात को महसूस करने लगे कि जब ये कनीजे नहीं डरती तो मुझ जैसा मर्द हो के मैं क्यों डर रहा हूं, मैं क्यों जजीज से खौफजदा हूं। हैं? इनके सर नौ के रेजा पे हैं, इनकी बीवियां जो हैं वो सरों के साथ जा रही हैं, लेकिन खौफ नहीं है, हिरास नहीं है, डर नहीं है। हैं? तो इमाम हुसैन बताया जाते हैं कि अगर माती जंग लड़ता तो फायदा न पहुंच पाता, क्यों ना एक ऐसी जंग लड़ूं अभी तक जितने मुकाबले हुए थे वो ताकत के साथ ताकत के हुए थे जिसका कोई खास नतीजा नहीं मिला था। इमाम ने दुनिया को समझाया एक और नजरिया भी है जंग लड़ने का, और वो ये नजरिया है कि ताकत को ताकत से न टकराओ बल्कि किरदार को ताकत के मुकाबले में ले आओ। लिहाजा इमाम ने यह मुकाबला ताकत के साथ नहीं किया। अगर ताकत के साथ मुकाबला करना पसंद होता तो जवानों को इकट्ठा कर दे, जंग करने वालों को इकट्ठा कर दे, हैं? साहिबाने कुव्वत और ताकत को इकट्ठा कर दे, बहादुरों को इकट्ठा कर दे, है या नहीं? इमाम ने वो असबाब मुहैया किए कि जो किरदार के जरिए जवाब दे सके, जो किरदार के जरिए जवाब दे सके। कैसे कैसे अफराद कि अगर किसी को खबर मिले कि अकबर मारे गए तो सोता हुआ भी चीखने लगे, है या नहीं? अगर किसी को यह खबर मिले कि अकबर मारे गए तो सोता हुआ भी चिल्लाने लगे, ये कैसे हो गया? हमारे किसी को पता चले कि कासिम शहीद किए गए तो सोता हुआ भी, जो बेदार नहीं है, जो जाहिर जो जिसकी अकल में पर्दे पड़े, जमीन पे जो है पर्दे पड़े, वो भी चीख उठे, ये कैसे हो गया? और अपने साथ खाली अपने घर के लोगों को नहीं दिया, वरना वो इल्जाम साबित हो जाता इमाम हुसैन के ऊपर जो बाद में बनो भैया ने जो प्रोपेगेंडा करके जो इल्जाम लगाया। दो शहजादों की जंग थी, अरे फरमाए ये दो शहजादों की अगर जंग थी तो इमाम ने अरब के हर कबीले का एक ना एक फर्द अपने साथ में लेकर के बताया कि अगर ये दो खानदानों की जंग होती तो मैं लड़ता, मेरे साथ ये दूसरे कबीलों के लोग क्यों आ रहे हैं, ये दूसरे कबीलों के लोग क्यों आ रहे हैं मेरे साथ? सिर्फ बनी हाशिम को आना चाहिए था, क्योंकि जंग तो बनो भैया बनो हाशिम की है, लेकिन नहीं अजीजाने गिरामी, कोई कबीला ऐसा तकरीबन नहीं था, सब कबीलों के लोग जो है करबला के मैदान में इमाम के साथ थे। और किन को चुना? जिनका किरदार जो जहां रह रहा था वो मंजिल कमाल पे था,
वो मंजिल मेराज पे था, कोई कारी कुरान था, कोई मुसलमानों के बच्चों को कुरान पढ़ाया करता था, है? कोई हाफिज कुरान था, कोई सारी सारी रात जो है वो इबादत में जिंदगी गुजारता था, कोई नबी का सहाबी था, कोई अली का जहां अली का सहाबी था। ऐसे अफराद को लेकर के आए कि जिनके ऊपर शक न किया जा सके, फरमाए जिनके ऊपर किसी तरह की उंगली ना उठाई जा सके कि ये माले गनीमत के लिए आ रहे होंगे या ये हुकूमत के लालच में। हम जो सारी सारी रात इबादत करते हो, अपने जमाने में मशहूर हो कि इनसे बेहतर इंसान हुए जमीन पे नहीं है, उनको साथ मिलाकर के इमाम ने बताया कि मैं किरदार पेश करना चाहता हूं, यह मुकाबला किरदार के साथ होगा। लिहाजा इमाम हुसैन सलातोसलाम ने इन तमाम अफराद को अपने साथ लिया और साथ लेकर के वो जंग कि जिसे हम हकीकत में जंग नहीं कह सकते, यूं कहिए कि कुर्बानियों में मजलूमियत बहुत जगह आपको नजर आएगी, तो जो कीजिएगा मजलूमियत बहुत जगह नजर आएगी, लेकिन मजलूम अपने आप को जालिम के सुपुर्द कर दे तो मजलूम मजलूम नहीं है। तो फरमाए अगर जालिम के सुपुर्द कर दे तो मजलूम मजलूम नहीं है। इमाम ने बताया कि मजलूमियत भी मेराज की मंजिल में पहुंचेगी और खुद सुपुर्दगी भी नहीं होगी जब तक जो है मेरे चाहने वालों के जिस्म में खून का आखिरी खतरा बाकी रहेगा। उस वक्त तक हम दिफा करके बताएंगे कि मजलूम उसे नहीं कहते जो खुद अपने आप को गिरफ्तार करा दे, मजलूम उसे कहते जो आखिरी वक्त तक लड़ता रहे। लिहाजा दुनिया के सामने एक नमूना पेश किया कि मेरी मजलूमियत आम मजलूमियत नहीं है, मैंने खुद सुपुर्दगी नहीं की, मैंने जो है वो दुश्मन को ये नहीं कहा कि लो आओ आकर के मेरे हाथों में हथकड़ियां डाल दो, मुझे कैद में डाल दो, आखिरी वक्त तक मैं लड़ रहा हूं और हर दुनिया के हर मजलूम को पैगाम दे रहा हूं कि अगर तुम मजलूम कमाल के साथ मजलूम बनना चाहते हो और वाकई में किरदार अपना दिखाना चाहते हो तो कभी मजलूमियत के साथ खुद सुपुर्दगी ना करना, सरेंडर ना करना। फरमाया ये खुद अपनी ताकत को कमजोर करना होता है दुश्मन के सामने अपने आप को सुपुर्द। और मैंने ये बात कही थी क्योंकि रोज जो है वक्त जो है बहुत जल्दी गुजर जाता है, मैंने ये बात अर्ज की थी कि इमाम हुसैन ने इसीलिए जो असलहे इस्तेमाल किए अपने साथ, जो असलहे लिए वो बड़े अहम थे। फरमाए तीन तरह के अपराध हैं इमाम के साथ और तीनों इमाम की बेगुनाही का सबूत देंगे, तीनों इमाम की बेगुनाही का सबूत देंगे। पहला असलहा अकबर की शक्ल में लिया, ये हम शबीह रसूल हैं, जिस जिसने नबी को देखा या नबी के बारे में सुना और वो जानता है ये हम शबीह रसूल है, सही है, तो वो इसके ऊपर नेजे से वार, वो इस पे तलवार नहीं मारेगा, वो इसको अजियत नहीं पहुंचाएगा। और बाद में आने वाले मुअर्रखीन को भी जवाब मिल जाएगा जो ये कहे मुसलमान तो थे, फरमाने मुसलमान तो थे, नमाज़ें तो अदा कर रहे थे, तो उन्हें भी जवाब मिल जाएगा कि अगर मुसलमान होते तो अपने नबी की शबी पर नेजा क्यों मारते, तो फरमाए अपने नबी की जो हमशक्ल है उस पर नेजा क्यों मारते, उसे टुकड़े टुकड़े क्यों करते। दूसरा असलहा लिया, बीबियों को साथ लिया, मशवरा देने वाले मना करते रहे न ले जाइए इन बीबियों का क्या कीजिएगा, लेकिन मैं बता चुका हूं कि बेटियां भी बहुत जरूरी था। तो फरमाए इमाम ने कहा नहीं यही बीबियां तो काम आएंगी, यही तो बताएंगी, मैं तो वहां करबला में कत्ल हो जाऊंगा, अब मैं बताने के अब सकीना आएगी, अब ये बताएंगे कि कुर्बानी क्यों दी और किस लिए दी और कैसे दी। तो फरमाई आपने तो उन बीबियों को साथ लिया और आखिर में छोटा सा बच्चा साथ ले लिया, छोटा बच्चा भी साथ ले लिया, मौला इसकी क्या जरूरत है, इसे क्यों ले जा रहे हो, हो सकता कोई कहे इंसान तो थे मुसलमान में सही इंसान तो थे, लिहाजा इस छोटे से बच्चे को ले जाके बताऊंगा मक्तल में कि पानी तलब करूंगा, पानी के जवाब में जब तीर चलेगा तो हर इंसान कहेगा वो इंसान भी नहीं थे, फिर हर इंसान को तस्लीम करना पड़ेगा कि ये इंसान भी नहीं है, लिहाजा मैं इनके चेहरों से इस्लाम की नकाब भी खींचना चाहता हूँ, इनके चेहरों से इंसानियत की नकाब भी खींच लेना चाहता हूँ। अब आज के बाद जो मेरे मुकाबले में आया है न वो मुसलमान है और न वो इंसान है। फरमाए ये थी मेरे मौला की फरासत के इस अंदाज से इस काफिले को लेकर के चले। अगर 10 मिनट आप दें और सलाह पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद अच्छा ये तो करबला के मैदान का सिलसिला, तो जो फरमाइएगा मैंने एक दिन अर्ज किया कि दो हिस्से किए लश्कर के,
हिस्सा करबला के लिए। अच्छा वो हिस्सा कि जो करबला के बाद जिहाद करेगा, अगर वो सारे बनी हाशिम से होते तो जो कीजिएगा, तो खुदा की कसम लोग ये इल्जाम लगा देते कि अगर ये तारीफ ना करेंगे तो कौन तारीफ करेगा, ये तो बेटा है। ये तो बेटा है, बेटा अगर बाप का दिफा ना करेगा तो कौन करेगा, ये तो बहन है, बहन अगर अपने भाई का दिफा ना करेगी तो कौन करेगा। तो फरमा रहे ये तो बेटियां हैं, अगर बेटियां अपने बाप का दिफा ना करेंगी तो कौन करेगा, अगर ये मधो तारीफ ना करेंगी तो कौन करेगा। लिहाजा हुकूमत वक्त जो है इल्जाम लगा सकती थी कि इनके कहने पे ना जाओ, जो हम कह रहे हैं वो सुनो। और हुआ ऐसा तारीख में, ऐसा नहीं कि इमाम हुसैन के खिलाफ प्रोपेगेंडे नहीं किए गए, तो वो अफराद के जो करबला में बचे जिंदा रहे, ये कई दिनों से बात चल रही है, तिमला बता दीजिए नाम, सही है, वो अफराद जो करबला में जिंदा रहे और वापस आए करबला से और उन्होंने मुआशरे में जिंदगी गुजारी, उसमें भी एक मसलहत थी कि अगर ये बनी हाशिम के अफराद बच के जाएंगे तो इन्हें ये कहकर के इनकी बातों को ठुकरा दिया जाएगा, ये तो हुसैन के फैमिली के लोग हैं, अगर ये तारीफ ना करेंगे तो कौन करेगा, ये अपनी बात को जो है वो तावील ना करेंगे तो कौन करेगा। इमाम खुदा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसे अफराद को भी इस करबला से जिंदा बचा करके भेजूंगा कि जो इमाम के खानदान से ताल्लुक ना रखते होंगे, दूसरे खानदानों के होंगे, वो फिर दुनिया को समझाएंगे कि हुसैन इब्ने अली ने शहादत क्यों पेश की, फरमाए वो समझाएंगे और उनकी बात से दुनिया को यकीन करना पड़ेगा। अब सुनिए वो छह अफराद जो बचकर के आए, बच्चे नहीं बड़े बुजुर्ग, बच्चों को देखा जाए तो बहुत हो जाएंगे। तारीख तबरी ने जिन छह अफराद के नाम जिक्र किए उसमें हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के रहने जिंदा रहने की इफादियत आप सब में इससे पहले की तकरीर में बता चुका हूं, सही है। उसके अलावा इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे हसन मुसन्ना, ये कैसे बचे, देखिए ईमान कैसे बचे, बीमारी की वजह से जो वक्ती बुखार आया, वक्ती तौर पे, मसलहत के तौर पे, मशीयत इलाही के तौर पे, तो फरमाए उसकी वजह से ईमान महफूज रहे, क्योंकि मक्तल में उनके ऊपर जिहाद साबित हो गया, जिहाद यानी वो जो करबला में तलवार से हो रहा था वो साबित हो गया, जब वो साबित हो गया तो ला मुहाला जो है ईमान की जिंदगी बच गई है। अच्छा दूसरे इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फर्जंद हसन मुसन्ना जंग करने के लिए गए मैदान में और जंग करते हुए जख्मों से चूर हुए और फिर जो है घोड़े से जमीन पे गिरे, फौरन सबके सर कटा नहीं किए जाते थे, जो कीजिएगा सबके सर फौरन नहीं कटा किए जाते थे, और हुआ ये कि जंग होती रही और लोग उनके ऊपर जो है वो हमला, जब पहला हमला हुआ जंग होती रही, लोग उनके ऊपर जो है वो जख्मी हो होके गिरते रहे, जख्मी होकर के लोग उनके ऊपर गिरते रहे और वो इस तरह से उनका जिस्म जो है वो छुप गया दूसरे जिस्मों में। अब जब सरों के काटने की बात आई, पिछले साथ ने कहा कि सरों को कलम करो, तो अब इस वक्त पर जो फौजे यजीद आई और आने के बाद देखा तो सांस बाकी थी। जंग का कानून यह था अरबों में कि जो जिस हालत में जंग खत्म होने के बाद है उसे उस वैसे ही गिरफ्तार कर लिया जाए, बस उसे खत्म नहीं किया जाएगा। तो फरमाए ये आज भी है कि जो गिरफ्तार हो गया उसे खत्म नहीं किया जाए, लिहाजा जनाबे हजरत मुसन्ना को कत्ल नहीं किया गया और बाद में वो मैं जिंदा रहे और उनके खानदान वालों ने जो है उनकी जो ननिहाल की तरफ से लोग थे उन्होंने उनका इलाज और मुआलजा किया और इस तरह से जो है इमाम हसन का बेटा भी। खुदा की कसम जो लोग चाहते थे मोहम्मद अख्तर हो जाए, जो दौरे जाहिलियत में चाहते थे कि मोहम्मद अख्तर हो जाए, वहां खुदा ने बेटी देकर के अख्तर होने से बचा लिया था। फरमाए फिर सारी दुश्मन ताकतें वही अख्तर अख्तर कहने वालों की औलादे पूरी कुव्वत के साथ करबला के मैदान में आकर के फिर नबी की नस्ल को घेर लिया। दो ही तो बेटे हैं, एक हसन और एक हुसैन, और दोनों की औलादे करबला में मौजूद हैं, लिहाजा घेर के फिर जाते थे, वहां तो हम अख्तर ना कह सके, आज करबला में सबको कत्ल करके अख्तर कह दो, कल जिसने अख्तर होने से बचाया था उसने करबला में भी अख्तर होने के इल्जाम से नस्ल भी बाकी रही हसन मुसन्ना से और इमाम हुसैन की नस्ल भी बाकी रही इमाम ज़ैनुल आबिदीन से। तो ये तो था इमाम हसन इमाम हुसैन के बेटों का हाल। आज जितने
तो तकवी नकवी जो भी हम हैं वो तो सब पढ़ते तो वही हैं इमाम हुसैन की नस्ल की तरफ, सही है। ये तो ये है कि उनके बेटे थे लिहाजा उनके बेटे से जो शाख चली उसे तकवी कह दिया, इमाम रजा के बेटे से कोई शाख चली तो उसे रजा भी कह दिया। लेकिन सारे पलटे ये कहां इमाम जैनुल्लाह के दीन पर, और जितने भी ईरान के अंदर सादात के तबा तबाई हैं वो कहां पलटेंगे हसन मुसन्ना पर, तो फरमाने हसन मुसन्ना पर सबके समान पलटेंगे। तो अजीजान गिरामी खुदा ने क्या किया ये देखिए कि खुदावंद आलम ने किस तरह से महफूज रखा कि यजीद ने 14 बेटे छोड़े, तवज्जो कीजिएगा, यजीद ने 14 बेटे छोड़े दुनिया के अंदर, हुसैन ने एक बेटा छोड़ा जिसके हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, गले में तोहफे खारदार था, इमाम हसन की औलाद में एक या दो बेटे करबला में लगे, खुदा की कसम खुदा ने वादा ले लिया था ए मोहम्मद तुम कभी अब्तर ना होगे बल्कि जो ताने दे रहे हम उनको अब्तर कर देंगे, उनको मकबूल नस्ल करा दे देंगे। दो बेटों की नस्ल से दुनिया का कोई शहर कोई गाँव कोई कैया ऐसा नहीं जहाँ सादात मौजूद ना हो, दुनिया फिर गौर करे कि जो हक पे होते हैं उनकी नस्लें तबाह बर्बाद नहीं होती, जाहिरन वो कत्ल हो जाते हैं लेकिन वो कत्ल के बाद जब उनकी तादाद बढ़ना शुरू होती तो फिर दुनिया देखती है कि उनसे अच्छी नशोनुमा किसी की नहीं है। फरमाए दीवारों में चिलवाए जाते रहे सब कुछ होता रहा, वो इस वक्त टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी तादाद मौजूद है। भाई जालिम ने तो कोई कमी छोड़ी नहीं इन्हें मिटाने के लिए, लेकिन इसके हाथ में मिटाना होता तो मिटते ना, इसके हाथ में मिटाना और किसी को बाकी रखना था कब, वो तो खुदा के हाथ में है, जिसे वो चाहेगा वो मिट जाएगा जिसे वो चाहेगा वो बाकी रहेगा है। तो ऐजाने गिरानी दो तो ये हुए, अब आइए तीसरा नाम सुन लीजिए अब्देहाक इब्ने अब्दुल्लाह अल-मशरकी। इन्होंने एक मुआहदा किया इमाम के साथ करबला के मैदान में कि फरजंदे रसूल अगर जंग जो है मुफीद होगी तो मैं जंग उस वक्त लड़ता रहूंगा, और अगर मैं देखूंगा कि जंग मुफीद नहीं है तो मैं जंग से हाथ खींच लूंगा, कोई बात नहीं जो तुम चाहो, क्यों किसी से जबरदस्ती जंग तो कराना थी, सही है। ये इख्तियार दिया इमाम ने और इसका जिंदा रहना वसूल तारीख में इमाम के दिए हुए इख्तियार की दलील बन गया। जो कीजिए ताकि इमाम पे ये इल्जाम ना आए कि जबरदस्ती उन्हें जो है कम होते हुए दुश्मनों के सामने खड़ा कर दिया। इमाम ने कहा एक ऐसी मिसाल भी छोड़ के जाऊंगा जो सारी दुनिया को बताएगी कि इमाम ने सबको इख्तियार दिया था, अगर वो चाहे तो जंग लड़े न चाहे तो जंग न लड़े, और उसकी मिसाल के ज़हाक इब्ने अब्दुल्लाह अल-मशरकी मौजूद रहेगा दुनिया के अंदर करबला के बाद, जो हर एक से बताएगा कि इमाम ने किसी को मजबूर नहीं किया जिसने जो अपने इख्तियार से किया, किया। तो करबला से एक इल्जाम खत्म हुआ इस आदमी के रहने की वजह से, अगर कल कोई इल्जाम लगाए तो हम इसे पेश करेंगे कि ये है इख्तियार, अगर सबको मजबूर किया होता तो ये जिंदा क्यों रहा। फरमाए एक और शख्स है जो जनाबे रबाब के गुलाम हैं, जिनका नाम है उकबा इब्ने समान। उकबा इब्ने समान ये जंग करते हुए गिरफ्तार हुए, जिंदा गिरफ्तार हुए, और जब इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किए गए तो इब्ने ज़ियाद ने कहा कि ये कैसे जिंदा बचा, कहा है जख्मी हो गया, जख्मी होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया मैदान जंग में। तो उकबा इब्ने समान ने कहा कि मैं तो गुलाम हूं, मैं गुलाम हूं लिहाजा मुझे माफ किया गया, पिसर साहब ने इब्ने ज़ियाद ने माफ कर दिया और ये जिंदा रहा। तो फरमाए ये बाकी रहे खुदा की कसम, अब आप फिर कहेंगे कि ये तो एक रहमो करम हुआ इब्ने ज़ियाद का, तो रहमो करम तो खुदा का ये तरीका है सुन्नत है कि जब अपने नबी को बचाता है या जिससे काम लेना होता है उसे बचाता है तो उस पर दुश्मनों से रहमो करम कराता है। फिरौन के घर में कौन पला था है? तो अगर मूसा फिरौन के घर में पल सकते हैं और वो मूसा हो सकते हैं नबी हो सकते हैं तो ये उकबा इब्ने समान इब्ने ज़ियाद की तरफ से आजाद होकर के मोमिन नहीं रह सकते है या नहीं?
तो लिहाजा अब इनको जो है वो माफ किया गया कि सही है आप जाइए चले आए। इनसे कितना बड़ा काम लिया खुदा ने, जब बनुमैया पर बनुमैया के लोगों ने उनके उलमा ने जो नमक खा थे बनुमैया की तारीखें लिखना शुरू की, अब तारीखों में जो वो रिवायात नकल की, एक रिवायत है आज भी मौजूद तारीख तबरी के अंदर, वो रिवायात नकल की कि इमाम हुसैन आखिरी वक्त में कह रहे थे यानी कर्बला में पहुंचने के बाद कि देखो तुम मुझे कत्ल ना करो, तुम मुझे शाम ले चलो, मैं यजीद की बैयत कर लूंगा, यजीद के हाथ में हाथ दे दूंगा। ये रिवायत तबरी में आज मौजूद है, इसकी अहमियत को समझिए, इस शख्स के जिंदगी की अहमियत को समझिए, यह कितना बड़ा इल्जाम होता, पूरे फलसफे शहादत को खत्म कर देता, किसी मसलहत के तहत बचाया गया था, मशीयत इज्दी है कि ये जिंदा रहे। सैयद सज्जाद कहेंगे मेरा बाप बैत करना नहीं चाहता था, बनू मैया के लोग नहीं मानेंगे, ये तो बेटे की बात है, बाप के हक में क्या तस्लीम की जाए। ये फरमाए कोई ऐसा शख्स हो कि जिसका इमाम से सिर्फ दीनी रिश्ता हो, फरमाए जाहिरी कोई वैसे रिश्ता रहमी रिश्ता ना हो। लिहाजा जनाबे उकबा इब्ने सलाम से रिवायत आई, मौर्रिस तबरी ने एक रिवायत को नकल कर दिया, इसी रिवायत को इमाम हुसैन रावी कहता कि इमाम हुसैन ने यह फरमाया कि मुझे जो है वो कत्ल मत करो और मुझे यहां से जाने दो, तुम कहो तो तुम मुझे इब्ने ज़ियाद के पास या यजीद के पास ले चलो, मैं यजीद के हाथ में हाथ दे दूंगा। ये रिवायत किसने गढ़ी, ये रिवायत इमाम के खिलाफ? अगर इमाम यजीद के हाथ में हाथ देना चाहते तो शहीद क्यों किए जाते? लेकिन ये रिवायत आ गई, तो इसलिए इनको वसीयत इज्दी से बाकी रखा गया, तुम बाकी रहो ताकि इल्जाम जो लगेगा उसका दिफा तुम करो, तुम करो। लिहाजा इन्होंने उसका दिफा किया, हसन यानी हसन मुसन्ना और उमर इब्ने इमाम हसन, इन दोनों के लिए जो बयान करता है दोनों जिंदा है करबला से, तो आगे लिखता है इस रिवायत के साथ में काना तिफलैन, काना तिफलैन, ये दोनों बच्चे थे और यही इश्तिबा है रिवायत में, ये दोनों बच्चे नहीं हो सकते। क्यों? सबसे छोटा बेटा जब इमाम सिभा किए जा रहे थे इमाम हसन का, अब्दुल्ला इब्ने इमाम हसन, उसने आकर के अपने हाथों को अपने चचा पे जिया करना शुरू कर दिया, फरियाद करना शुरू की, जिसके जो है शिमर ने तलवार मार करके उन्हें वहीं पे जिभा कर दिया, तो जो फरमाए वहीं पे कत्ल कर दिया। सही है, तो ये थे अब्दुल्ला इब्ने इमाम हसन, ये बच्चे थे, तारीख में मौजूद है। अरे जनाबे कासिम 13 साल के थे, ये भी तारीख में मौजूद है। तो अब इनसे छोटा तो कोई इमाम हसन की औलाद में हो नहीं सकता। भाई इनसे छोटा क्यों? इमाम हसन की शहादत करबला के वाके से 11 साल पहले हुई, तो अब बच्चा, अब इनके बाद कोई बच्चा नहीं हो सकता, यकीनन इनसे बड़े होंगे। फरमाए यानी वो एक पैगाम देना चाहता है मौर्रिस तबरी के, ये बच्चे होने की वजह से छोड़ दिए गए। हसन मुसन्ना के सिलसिले में तो बात आ गई कि कैसे बचे, लेकिन उमर इब्ने हसन के सिलसिले में बात कोई बात सही नहीं की जा सकी कि कैसे बचे, लेकिन इतना यकीन है कि ये उस वक्त कोई 10 या 12 साल के नहीं थे, यकीनन हसन मुसन्ना से छोटे या हसन मुसन्ना से बड़े होंगे। बस अलीजाने किरान, तो ये थे वो 6 अफराद, 6 हो गए, ये थे वो 6 अफराद, सही, कि जो करबला के मैदान से बच करके जिंदा है। मैंने अर्ज किया था करबला अपने तमाम पहलुओं से मुकम्मल, करबला का वाकया अपने तमाम पहलुओं से मुकम्मल है, निकलने से लेकर के और वापस जो है कैदखाना और कैदखाने से रिहा होने तक मुकम्मल है, कहीं कोई नक्स वारिद नहीं किया जा सकता। अगर बाद में भी कोई प्रोपेगंडा किया जाएगा तो ये 6 अफराद आगे बढ़कर के उसका दिफा करके बताएंगे कि जो कुछ कहा जा रहा है वो गलत है, ऐसा नहीं हुआ। और जो फरमाई, तो ये था इन 6 अफराद को बचाने की मसलहत, ताकि करबला का वाकया हर पहलू से मुकम्मल हो जाए, करबला पे कोई इल्जाम ना आ सके।
कोई मामूली बात नहीं है। कर्बला के सिलसिले में कोई इल्जाम तराशी ना हो सके, कोई बोहतान ना लगाया जा सके, और जब कोई बोहतान लगाए तो उसे शर्मिंदा होना पड़े। बस अजीजाने गिरामी, ये अफराद आए और इन्होंने जो है माशरे में जिंदगी गुजारी, लेकिन अजीजों इनमें सब में मोतबर तो इमाम ज़ैनुलाबिदीन है, मासूम नहीं। लेकिन कर्बला के हवाले से आप देख लीजिए तारीख कभी दूसरी तारीख है, इमाम ज़ैनुलाबिदीन से इतनी रिवायात नहीं है जितनी गाजियों से रिवायात। अजीब बात है, सितम है, है? कि जो कर्बला में मौजूद था उससे रिवायात नहीं है, जो कूफे के बाजार में मौजूद है उससे रिवायात नहीं है, जो शाम के दरबार में खुतबे पढ़ रहा है उससे रिवायात नहीं है। क्यों मौरखीन ने उनसे रिवायात क्यों नहीं ली और तमाशाइयों से रिवायात ली? तमाशाइयों से रिवायात ली गई और अहले बैत के अफराद से इतनी रिवायात नहीं ली गई। तो दुश्मन की अहमियत को घटाना चाह रहा है, जो मैंने अभी अर्ज किया था कि तो यार उनके खानदान के उनके बेटे घटाना चाहे नहीं घटाना चाहे। बस अजीज आज क्योंकि जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत, आपने एक मसला मुस्तकिल एक बात सुनी है जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के हवाले से कि आपको बड़ा जलाल था। जलाल एहतराम के साथ जब इस्तेमाल होता गुस्से के लिए तो लफ्ज़ जलाल होता, जुमला यही है अगर मैं गलत ताबीर नहीं कर रहा, कि जब एहतराम के साथ जो है हम गुस्से की कोई ताबीर करेंगे तो उसे जलाल से ताबीर करेंगे। तो हमने ये सुना बचपने में भी सुनते रहे कि बड़ा जलाल था जनाब अब्बास, बहुत जलाली थे, बहुत जलाली थे। जलाली क्या होता है? गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा खुद कमाल के खिलाफ है कि हर जगह गुस्सा करना और जल्दी गुस्सा करना यह खुद कमाल इंसानी के खिलाफ है। हत्ता के ऐसे ऐसे वाकयात हमें सुनाए गए हैं बचपन में कि अगर हम दिक्कत के साथ खुद मुतालिया न करें तो शायद वो बातें अभी तक जहन में पड़ी रहें और हम यही कहते रहें कि जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के रौजे से कोई परिंदा भी उड़ करके नहीं जा सकता, अगर कोई परिंदा भी उड़ जाए तो चल के राख हो जाएगा। इस तरह के वाकयात इन पर उसी सुने गए, सही है। अजीदाने गिरामी इस परिंदे की क्या गलती है? खुदा ने उसे अकल अता नहीं की, सही है। जो फरमाए उसे अकल तो अता नहीं की गई कि वो ये देखे कि मैं कहां से गुजर रहा हूं कहां से नहीं गुजर रहा, लिहाजा जिसको अकल अता नहीं की गई उसको कोई सजा भी नहीं, जिसको अकल नहीं दी गई उसे कोई सजा भी नहीं। तो फिर ये जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम का ये जलाल ये इस्लाम में हमसे कहां जगह दे, बताइए मुझे कहां जगह दे इस्लामी कानून में हमें जलाल। अजीजाने गिरामी जितना हमने गुस्से और जलाल का तस्करा किया काश उतनी सब रुपये नजर होती, सब रुपये नजर होती कि वो मौला, वो हमारा मौला साबिर कितना था, कितने साबिर थे। ये जलाल का तो कोई एक आध वाकया है कि जमीन पे खत खींच दिया, जमीन पे खत खींच दिया जब खेमों की बात आई और कहा किसी में हिम्मत है तो इस खत को पार करे, तो ये तो एक वाकया तारीख कर्बला में, लेकिन सब्र की कितनी मिसालें, सब्र की कितनी मिसालें हैं। सहाबा के जनाजे आ रहे हैं, जानिसारों के लाशें आ रहे हैं, जनाब अब्बास की तलवार नियाम से नहीं निकलती, दुश्मन इमाम की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, जनाब अब्बास सब्र किए हुए हैं, जब तक इमाम का हुक्म ना हो तलवार नियाम से नहीं निकालते, जज्बात नहीं आ जाते, नहीं नजर है इमाम पर, इमाम क्या फरमा रहे हैं, मेरा मौला क्या कह रहा है, मेरा आका क्या कह रहा है। देखा सब्र, देखा आपने कि अब्बास जैसे शुजा और बहादुर से ये तवक्को की जा सकती थी कि अकबर का लाशा आ जाए? सोचिए आप, कभी तन्हाई में बैठ के सोचिए कि अकबर जैसे भतीजे का लाशा आ जाए, कासिम के लाशे के टुकड़े आ जाएं और जनाबे अब्बास की तलवार नियाम में रहे, हबीब इब्ने मज़ाहिर का लाशा आ जाए और जनाब अब्बास की तलवार नियाम में रहे, सोच सकता कोई इंसान? और मोहम्मद के लाशे भांजों के लाशे खुद उठा करके लाए लेकिन तलवार को नियाम से नहीं निकाला, क्यों? कि ये तलवार उठाना मेरा काम नहीं बल्कि मेरा काम है मर्जी है इमाम पे नजर रखना कि इमाम क्या चाहते हैं, इमाम की आंखों के इशारे क्या है। ये वो इंसान था कि जिसके लिए इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे चचा अब्बास अपने सब्र की वजह से आखरत में शहदा में उस मंजिल में होंगे कि तमाम शहदा सब्र करेंगे और दिलता करेंगे, लफ्ज़ दिलता है, रश्क करेंगे, काश ये मकाम हमें मिला होता, काश ये मकाम शहादत में हमें मिला होता।
के जो जनाबे अब्बास का मकाम है, शोहदा रिश्ता करेंगे, रश करेंगे जनाबे अब्बास के मकाम पर। ये कहां से मिला? इताते इमाम, इताते इमाम, सब्र, हुक्म इमाम। जिजाने गिरामी कोई मामूली जात का नाम नहीं है अब्बास, किसी मामूली इंसान का नाम नहीं है अब्बास। तारीख कहती है कि सबको भेज दिया लेकिन अपने इस भाई को नहीं भेजा इमाम ने। जब जब जनाबे अब्बास ने अर्ज की, आका मुझे भी मरने की इजाजत दे दीजिए, आका मुझे भी मैदान में जाने दीजिए, तो इमाम ने एक ही जुमला कहा, मेरे भाई तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। पर खुदा की कसम तारीख में जैसी अलमदारी जनाबे अब्बास ने की है वैसी अलमदारी भी किसी ने नहीं की। अलमदार तो बहुत है जनाबे मौलाए कायनात, हर जंग में अलमदार रहे, हर जंग में अलमदार रहे नबी करीम के जमाने में। जनाबे जाफर तैयार ने भी जंग किया, अलमदार रहे, लेकिन किसी के साथ ये अलमदारी का लकब महसूस नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि अलमदार कहा जाए और मौलाए कायनात का नाम जहन में आने लगे, अलमदार कहा जाए और जाफर तैयार का नाम जहन में आने लगे। लेकिन हाँ, ना जाने वो कैसी अलमदारी थी कि जो एक मुख्तसर से वक्त के लिए की थी, एक दिन के लिए की थी, उस अलमदारी को इस तरह निभाया कि जब जब अलमदारी का जिक्र हुआ जनाबे अब्बास का जहन में तसव्वुर आने लगा। आए कैसा अलमदार था, सुनिएगा कि कैसे अलमदार थे। खुदा की कसम, अगर जनाबे अब्बास के अलावा करबला में कोई और कमांडर होता और कोई और जो है अलमदार होता, तो इस 72 के इस मुख्तसर से अदद को, इन अफराद को पूरे दिन नहीं लड़ा सकता था। 30,000-40,000 की फौज पूरे दिन नहीं लड़ा सकता था। लेकिन तारीख कहती मौलाना अबुल कलाम आजाद ने छोटा सा किताबचा लिखा मख्तले इमाम हुसैन ने, छोटा सा किताबचा, शायद 20-25 पेज है उसके, मौलाना आजाद साहब के। उन्होंने लिखा कि ये करबला के कमांडर से मैं बड़ा हैरत में हूं कि उसने 72 आदमियों को, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे, जिसमें बूढ़े भी थे, उसने ऐसे सफबंदी की इस फौज की कि एक पूरे दिन जो है वो इस फौज को 30,000-35,000 के लश्कर से लड़ा दिया, पूरा दिन हो गया। ऐसा मुकाबला कहीं नहीं हुआ। एक इंसान के मुकाबले में करबला के मैदान में अगर सबसे छोटा अदब तस्लीम कर लिया जाए यजीद की फौज की तरफ से, तो 416 आदमी, एक इंसान के मुकाबले में 416 आदमी है करबला के मैदान में। फरमाए लिहाजा अज़ीज़ाने गिरामी कैसे लड़ाया कि जैसी नमाज सुबह अदा हुई और पहला हमला फौज यजीदी की तरफ से हुआ, तो तारीख कहती कि उधर से घोड़े जो है दौड़ने लगे, टाकों की आवाजें आने लगी। इमाम ने कहा मेरे भैया अब्बास जरा आगे बढ़ो, फौज को तरतीब दो। एक मरतबा लश्कर को जनाबे अब्बास ने तरतीब दिया और एक मरतबा अपने लश्कर से कहा, अपने चाहने वालों से कहा, जमीन पे बैठ जाओ, एक घुटना जमीन पे टेको, एक उठा करके रखो। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद लिख रहे हैं कि एक घुटना जमीन पे टेको और एक घुटने को उठा करके रखो और नेजों को जो है वो रेत में छुपा लो, और जैसे ये घोड़े तुम्हारे करीब आए तो इन घोड़ों के अगले पैरों में नेजे से वार करना। थोड़ा अंधेरा था हमारे भाई, एक मरतबा जैसे ही ये दौड़ते हुए घोड़े लश्कर के करीब पहुंचे और नेजों के बराबर फासला रह गया, तो एक मरतबा तमाम के तमाम चाहने वालों ने घोड़ों के अगले पैरों में जो नेजे मारे तो ये घोड़े दूसरे घोड़ों पर गिर गए और इस तरह से पूरा लश्कर जो है तितर बितर हो गया, पूरा लश्कर मुंतशिर हो गया और भगदड़ मच गई कि भाग लो, ये क्या हो गया अपने लश्कर के साथ। यही वो दहशत और यही वो रोग था इस कमांडर का, जो फरमाए यही वो जनाबे अब्बास के फनून जंग का रोग था कि जिसने जो है इस मुख्तसर की तादाद को पूरे दिन लड़ा करके दिखा दिया। और वो कि जब अलम लेकर के चले हैं तो तारीख ने लिखा 4,000 अफराद थे जो फरात पे पहले पे बैठाए गए थे, 4,000 अफराद के यहां से कोई पानी न लेकर के जाए। तारीख कहती कि जैसे ही जनाबे अब्बास अलैहिस्सलाम अलम लेकर के आगे बढ़े, एक मरतबा जैसे ही दुश्मन की फौज ने आते हुए देखा, वो एक रोग तारीफ हुआ कि पूरी फौज जो है मुंतशिर हो गई और एक मरतबा जनाबे अब्बास के लिए फरात का रास्ता छोड़ दिया। ये तमाम फौज भागने लगी, जनाबे अब्बास बड़े इत्मीनान के साथ दरिया में वारिद हुए और दरिया में जाने के बाद अपने घोड़े को दरिया में उतारने के बाद एक मरतबा अपने चुल्लू में पानी लिया। कितना, यानी कि बताना चाहते हैं कि इतना मौका मेरे पास है कि अगर मैं चाहूं तो ये पानी पी सकता हूं और तुम में हिम्मत नहीं है कि तुम इतनी तादाद में होते हुए मुझे रोक सको। लिहाजा तारीख कहती है कि चुल्लू में पानी लिया और लेने के बाद जो है उस पानी को फिर जो है पानी के मुंह पे मार दिया, दरिया के मुंह पे मार दिया और ये कहते हुए निकल आए, अरे जब जिसका आशा प्यासा, जिसके आका के छोटे छोटे बच्चे प्यासे हो वो अब्बास कैसे पानी पी लो। ये थी वो वफादारी के पानी में खड़े हुए थे,
और पानी को पिया नहीं, जिसकी जिसकी वजह से वफादार कहा जाता है। लिहाजा घोड़े से कहा, ए मेरे घोड़े, तू भी तीन दिन का भूखा प्यासा है, तू भी बड़ी जहमतें उठा रहा है, तुझे भी बड़ी तकलीफें हुई हैं, तू भी पानी पी ले। तारीख कहती घोड़े ने एक मरतबा जनाबे अब्बास की तरफ नजर उठा करके देखा। अजीजाने गिरामी, ये जो हम सुलझना निकालते हैं ना, लोग कहते हैं ये हैवान नहीं, हैवान को हम ये बताना चाहते कि जिन्होंने जिन हैवानात ने अहले बैत के साथ वफादारी की है, हमने उनको भी भुलाया नहीं है, हमने उनकी भी यादगार अपनी अदाकारी में शामिल रखी है। लिहाजा तारीख कहती है कि घोड़े